15.2 हाइड्रोकार्बन का संघनित निरूपण। अब तक हाइड्रोकार्बन की संरचना दर्शाने के लिए हमने संरचना सूत्र का उपयोग किया है, जिसमें दो कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध को एक रेखा चित्र क्रमांक 1, 2, 3, द्विबंध को दो समांतर रेखाओं चित्र क्रमांक 4 क और त्रिबंध को तीन समांतर रेखाओं चित्र क्रमांक 4 ख द्वारा दर्शाया जाता है। चित्र क्रमांक 4 क एथीन, सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच। चित्र क्रमांक 4 ख एथाइन, सी सिंगल बॉन्ड एच ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच। ऐसी संरचना को बार बार बनाना सुविधाजनक नहीं होता और ऐसे चित्र स्थान भी बहुत घेरते हैं, अतः इन्हें प्रदर्शित करने के लिए संघनित संरचना सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जो एक सरल तरीका है। इस प्रकार की संरचना में दो परमाणुओं के बीच के एकल आबंध को नहीं दर्शाया जाता, जैसे एथेन का संघनित संरचना सूत्र CH3CH3 है। यदि अणु में दो या अधिक परमाणु के समान समूह हैं, तो हम सूत्र को और संक्षिप्त कर सकते हैं, जैसे CH3CH2CH2CH2CH2CH3 को हम CH3CH2 whole 4 CH3 लिख सकते हैं। जिस परमाणु समूह की पुनरावृत्ति होती है, उसे कोष्टक में लिखकर उसकी संख्या को कोष्टक के बाहर पादांक के रूप में लिखा जाता है, जो यह दर्शाता है कि अणु में वह परमाणु समूह कितनी बार आता है। एथीन तथा एथाइन का संघनित सूत्र क्रमशः H2C डबल बॉन्ड CH2 व HC ट्रिपल बॉन्ड CH होता है।